ये रबर से बना कोई खिलौना नहीं है, लेकिन सही अर्थों में ये रबर के खिलौने जैसा ही है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपने पैर की उंगलियों से अपने सिर को छू लेती है, कैसे वो अपने दोनों पैरों पर बैठकर दोनों हाथों को पार कर सकती है। विभिन्न तरह की कठिन योग मुद्राएं वो बेहद आसानी से करने में सक्षम है। वो अपने पूरे शरीर को किसी स्प्रिंग की तरह मोड़ सकती है। अपनी इसी अनोखी प्रतिभा के कारण वो आज नयागढ़ की स्प्रिंग गर्ल के नाम से विख्यात है। ये लड़की प्रिया प्रियदर्शनी है, जो राणापुर ब्लॉक के तहत आने वाले राजसुना खला गांव के मथुरापुर कस्बे की रहने वाली है। वो मुश्किल से 3.5 साल की है। हालांकि वो विभिन्न प्रकार के कठिन योगासन जैसे चक्रासन, वृश्चिकासन, भुनम आसन, पदहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन आदि आसानी से कर सकती है। प्रिया की सफलता के पीछे असली हीरो उसके पिता विजय कुमार नायक हैं। प्रिया के जन्म के 12 दिन बाद से ही उसके पिता ने उसके साथ अलग अलग अभ्यास करके उसके शरीर को एकदम लचीला बना दिया था। अपनी ओर से प्रिया भी अपने पिता की हर सलाह का पालन करती है। अपने अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के कारण ही आज वो योग क्वीन के रूप में पहचानी जाने लगी है। यही कारण है कि सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। छोट बेलू जो 12 दिन रही था से धीरे धीरे योगासन धीरे धीरे प्रसार कर ली। वह बचपन से ही योग का अभ्यास कर रही थी। मैं चाहता था कि वह कुछ अच्छा करे। मैंने उसे चक्रासन जैसे कई योग सिखाए। मैं योग में उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहता हूँ, ताकि वह एक प्रसिद्ध योग शिक्षक बने। चक्रासन बहुत बड़ा आसन मुझे प्रस्तुत कली मैंने देश ना रखा धीरे धीरे चेष्टा कली। ये कम बयस समय मात्र तार बयस 3 वर्ष 6 मास। वह 3 साल 6 महीने की है। बहुत जटिल कलाबाजी करती है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर स्प्रिंग का बना है। वह स्प्रिंग की तरह अपने हाथ और पैर घुमा सकती है। गोटे स्प्रिंग रे गढ़ है आ स्प्रिंग जो भाई जो पटू से पटू नरम हो चले से तार हाथ गोड़ सब पटु से अति आराम से बुले पारे एवं यह कष्ट साध्य आसन गोटे कर। प्रिया के पिता विजय कुमार खुद बचपन के दिनों से ही जिमनास्ट बनने का सपना देख रहे थे। हालांकि वो अपनी गरीबी के कारण अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर सके। यही कारण है कि वे अपनी बेटी को एक अच्छे जिमनास्ट या योग गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए गंभीरता से और सशक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। परिवार ने भी उसके उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ सरकारी संरक्षण के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है। जब वह सिर्फ 12 दिन की थी तब उसके पिता ने उसके शरीर की मालिश शुरू की। उसके बाद उसके पिता ने उसे योग अभ्यास करने के लिए जोर डाला। वो एक जिमनास्ट बनना चाहते थे, लेकिन प्रिया के पिता इसका खर्च वहन नहीं कर सके, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके सपनों को सच करे। कठिन श्रम और समर्पण सभी असंभव कार्यों को संभव बना देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग के प्रति प्रिया का आकर्षण और समर्पण बहुत ही कम उम्र में एक दिन उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।